तो रिसेंटली 2023 के एंड होने के साथ साथ Aquaman 2 रिलीज होते ही DCU का एंड भी हो गया था, और अब इसी के साथ पैरेलल में चल रहे DC के एनिमेटेड टुमारोवर्स का एंड भी होने जा रहा है, और वो होने वाला है जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स के साथ, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। इसका पहला पार्ट रिलीज हो गया है और आज की वीडियो में करेंगे टुमारोवर्स और जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स पार्ट 1 की बात। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो टुमारोवर्स शुरू हुआ था 2020 में सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो के साथ। अब इससे पहले DCAMU या DC एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स चल रहा था और वो बहुत ही ज्यादा एक्लेम्ड था। इसकी मूवीज थिएटर वर्दी होती थी, इसका एनिमेशन, स्टोरी, वॉइस एक्टिंग सब काफी अच्छा था, और फाइनली एंड हुआ 2020 में जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर के साथ। इसी के साथ DCAMU रीसेट होकर बन गया टुमारोवर्स। अब इस नए टुमारोवर्स पे एक्सपेक्टेशंस का बोझ बहुत था, क्योंकि DCAMU बहुत ही क्वालिटी माल देता आया था और अब इस टुमारोवर्स से भी यही उम्मीदें थी। अब अगर इसकी ओवरऑल बात करें तो इसे एक मिक्स्ड बैग कहा जा सकता है, जहां हमको कुछ अच्छी मूवीज मिली और कुछ मूवीज उतनी अच्छी नहीं थी। लोगों ने भी इसे उतना ज्यादा पसंद नहीं किया, और फाइनल नेल इन द कॉफिन था DC के नए यूनिवर्स DCU का अराइवल। अब आने वाला सभी एनिमेटेड माल DCU को ध्यान में रख के ही बनने वाला है, ताकि DCU और एनिमेटेड मूवीज में कंटिन्यूटी मेंटेन रह सके और सेम एक्टर्स लाइव एक्शन और एनिमेशन में सेम कैरेक्टर्स को ही प्ले कर सके। एंड फॉर दैट रीजन टुमारोवर्स का हो रहा है दी एंड, और इस एंड की शुरुआत हो चुकी है जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ पार्ट 1 के साथ। तो मूवी के बेसिक प्लॉट की बात करें तो एक मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन के आ रहा है। सभी पैरेलल अर्थ्स और प्लैनेट्स को वाइप करते हुए आगे बढ़ रहा है, और अब अपने हीरोज स्पेशली फ्लैश को पूरे मल्टीवर्स को सेव करना है। ये मूवी काइंड ऑफ एक फ्लैश की मूवी ही फील होती है, वेल क्योंकि फ्लैश के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो उसे मल्टीवर्सल ट्रेवल अलाउ करती हैं। तो थोड़ा ज्यादा फोकस फ्लैश के कैरेक्टर पे रखा गया है। अब इस एनिमेटेड मूवी को डिसकंटिन्यूअस और नॉन लीनियर वे में शो किया है, जो स्टार्टिंग में मे बी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट बाद में चीजें इजीली समझ में आने लगती है। जैसा कि ट्रेलर में भी शो किया गया है, थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग वर्ल्ड के हीरोज को साथ लाया गया है। तो हाँ, बहुत सारे DC कैरेक्टर साथ में देखने को मिलते हैं। कुछ का इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कुछ का फ्यूचर के 2 पार्ट्स में होने वाला है। फ्लैश के अलावा स्पेशली कारा का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट फील होता है। इनके अलावा मूवी में अमीजो का कैरेक्टर मुझे पर्सनली काफी सही लगा। उसका पोर्ट्रेयल, वॉइस एक्टिंग, स्टोरी और कैरेक्टर आर्क परफेक्ट था। वो मूवी में लिमिटेड टाइम के लिए है, बट वो कैरेक्टर एक अच्छी छाप छोड़ता है। ऑल्सो इस मूवी में हमको क्राइम सिंडिकेट भी देखने को मिला। अब अगर आप लोगों ने 2010 में आई जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन टू अर्थ्स देखी है तो आपको पता होगा ये कौन है। अब क्राइम सिंडिकेट दिखा तो दिया, बट उन लोगों का रोल ना के बराबर है। दे प्ले नो मेजर रोल, जो कि थोड़ा लेट डाउन था। मूवी की स्टोरी अच्छी है, और जिस कॉमिक पे ये बेस्ड है उसे सेम टू सेम नहीं चिपका दिया है। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो मूवी में अच्छे से फिट होते हैं। ऑल्सो स्टोरी को प्रॉपरली बिल्डअप किया गया है। इसके अलावा मूवी में वॉइस वर्क भी अच्छा है। अब बात करें मूवी के एनिमेशन की, तो पर्सनली वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। बात इसी मूवी की नहीं है, टुमारोवर्स के हर प्रोजेक्ट का एनिमेशन स्टाइल मुझे उतना अपीलिंग नहीं लगता। इससे पहले आई DCAMU का एनिमेशन स्टाइल इससे काफी ज्यादा बेटर था, और फ्यूचर में आई होप DCU के लिए भी एक प्रॉपर एनिमेशन स्टाइल यूज होना चाहिए। तो ओवरऑल मूवी सरप्राइजिंगली अच्छी थी। इसमें प्रॉपर स्टोरी थी, अच्छे मोमेंट्स थे, अच्छे कैरेक्टर्स थे, अलग अलग यूनिवर्स से कैरेक्टर्स देखने को मिले। इसमें हाइप क्रिएट करने वाले मोमेंट्स थे, इमोशनल मोमेंट्स थे, और अच्छे तरीके से अलग अलग स्टोरी लाइंस को कनेक्ट किया गया है। तो डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।